जिला कलेक्टर नकाते द्वारा 20 अप्रैल से लागू किए जा रहे कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद एसडीएम ओम प्रभा ने अधिकारियों के साथ भिलवाड़ा कृषि मंडी का निरीक्षण किया। कोरोना कर्फ्यू में नागरिकों को अनाज फल एवं सब्जियां व्यवस्थित रूप से मिल सके इस हेतु मंडी अधिकारियों व्यापारियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जब लोकवाणी ने एसडीएम से पूछा कि राशन फल सब्जियों में कालाबाजारी ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी तो एसडीएम ने बताया कि डिलीवरी पिकअप पर रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी, साथ ही मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से कालाबाजारी की सूचना मिलने पर ऐसे मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जी ये सब्जी वाला है मैडम, अभी रुक के कलेक्टर साहब के निर्देश से कोविड नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो ये कृषि मंडी परिसर है इसके अंदर अनाज के जो किसान आएंगे वो अपना जैसे ही गाड़ी में लेके आएंगे अनाज वो सारा चेक करवा कर वापस जाएंगे तो अपना चालान और रसीद दिखा देंगे। दूसरी बात ये है कि जो किराना व्यवसायी है होलसेल वाले उनके लिए हमने एक समय फिक्स किया है 11 बजे से 4 बजे तक का, वो रिटेलर को दे सकते हैं। और वो रिटेलर जो कलेक्टर महोदय के आदेश से थाना वाइज और बाकी के दिन उपखंड वाइज उनको दिया जाएगा सप्लाई। इसके अलावा जो फल और सब्जी मंडी है उसके लिए फल के लिए शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक का टाइम फिक्स किया है और साथ ही 35 पिकअप है जो हर पिकअप 2 वार्ड के लिए जाएगी वो हमने आवंटित कर दी है। साथ ही सब्जी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे का समय रहेगा और पूरे भीलवाड़ा वासी है उनको फल सब्जी अनाज किराना सब पर्याप्त मात्रा में मिले। कालाबाजारी के लिए क्या व्यवस्था की नहीं हुई? बिल्कुल, इसके लिए जो पिकअप जाएगी उस पर रेट लिस्ट जो है वो चस्पा कर दी जाएगी और आपके माध्यम से भी ये बताते हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारे संज्ञान में लाए जिससे कि हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और इन सब के होने के बावजूद भी अगर कोई कोविड निर्देशों की पालना नहीं करेगा तो प्रभावी रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।